हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। भाई, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने वीड्स कंट्रोल की बात की, उसमें डिफरेंट टाइप्स की वीड्स के बारे में हमने पढ़ा, और आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम पेस्ट कंट्रोल करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करेंगे, और वो जो डिजीज जो किसी भी क्रॉप प्लांट को डैमेज करती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप को डैमेज करते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो मोड ऑफ एक्शन के बेस के ऊपर हम उनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ देयर एक्शन, ठीक है, और एक्शन मतलब डैमेज, ठीक है, जिस तरीके से वो क्रॉप्स को डैमेज करती है उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसके बेस के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले चीविंग इंसेक्ट, सबसे पहले कौन से इंसेक्ट है भाई? चीविंग इंसेक्ट, इंसेक्ट, चीविंग इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट, ए ग्रुप ऑफ पेस्ट विच, ए ग्रुप ऑफ पेस्ट विच डैमेज द क्रॉप बाई सीविंग देयर पार्ट्स, ठीक है, उसके पार्ट्स को वो चीव कर लेता है, चबा देता है, तो उसके बेस के ऊपर इल्ड जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं भाई, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एग्जांपल जैसे भाई ग्रास ओपर्स है भाई, कैटरपिलर्स है भाई, ग्रब्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या करते हैं? क्रॉप को डैमेज करते हैं, किसके बेस के ऊपर? चीविंग हैबिटेट के बेस के ऊपर। सेकंड ग्रुप है हमारे पास सकिंग इंसेक्ट, सेकंड ग्रुप कौन सा है भाई हमारे पास? सकिंग इंसेक्ट क्या करते हैं? ये सक करते हैं, किस चीज को सक करते हैं? हम लिख देते हैं सकिंग इंसेक्ट, ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट विच डैमेज द क्रॉप बाय सकिंग सेल सैप। जो सेल्स के अंदर लिविंग मटेरियल्स है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उस पार्टिकुलर लिविंग मटेरियल्स को ये सक कर लेती हैं और उसके बेस के ऊपर क्रॉप की जो यील्ड होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसमें हमारे पास एम्फिड्स प्रेजेंट हैं, लीफ होपर्स प्रेजेंट हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या है भाई हमारे पास? एम्फिड्स, लीफ होपर, ठीक है, इसके साथ साथ और क्या है भाई इसमें? बग्स, इंक्लूड बग्स एटसेट्रा। ये सब क्या करते हैं? क्रॉप की इल्ड को या किसी भी फॉर्म्स के बेस के ऊपर भाई, वो रूट के बेस के ऊपर या किसी भी कंडीशंस के बेस के ऊपर, ठीक है, वो सब इसमें हमारे पास इंक्लूड्स हैं। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास इस इंसेक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड्स हैं, दैट इज द, हम उसको बोल सकते हैं इंटरनल फीडर,
हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल फीडर। अब हमारे पास जो ये ग्रुप प्रेजेंट है भाई, इस ग्रुप के मेंबर्स को हमें बोरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आल्सो कॉल्ड द बोरर। ठीक है भाई, अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आल्सो कॉल्ड बोरर्स। क्यों बोरर बोलते हैं भाई इनको? बिकॉज दे हेल्प इन टू मेक द बोरिंग इन डिफरेंट पार्ट। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप। क्यों भाई? देखिए कैसे भाई, स्टेम बोरर, बोरर्स, रूट बोरर भाई, उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं भाई, पोर्ट बोरर, इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में बन सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के जो ग्रुप है, जैसे सुगर केन के केस में आपने देखा, हम बोलते हैं ना कि ये जो पार्टिकुलर फ्रूट है वो काना है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के लार्वे इंक्लूड्स हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं मैनी लार्वा फॉर्म एक्ट एज बोरर्स। ठीक है ना, बहुत सारी लार्वा फॉर्म जो है वो किसका काम करती है, बोरर का काम करती है। जैसे सुगर केन के केस में एग्जांपल है भाई, सुगर केन बोरर, बोरर्स भाई, बॉल बोरर, बाल बोरर, बोरर इन कॉटन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स इंक्लूड हैं। तो ऐसे में हमारे पास है, देखिए इसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे बोरर भी होते हैं जो सीड को बोर करते हैं, जैसे वीट विविल। ठीक है ना, वीट बोरर, राइस बोरर, ग्राम बोरर, चने के अंदर छेद हो जाता है, सीड की बात हम करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स में इसमें ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स हैं। अब ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं भाई? इसमें देखिए हमारे पास स्पेशली क्या चीज है, डिफरेंट केमिकल्स की सहायता से हमें इन पार्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ वी कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ वी कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। How we control the insect pest? कैसे control कर सकते हैं भाई इनको, हम control कर सकते हैं by using, अब इसका answer में हम क्या बोल सकते हैं, by using different types of chemicals। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का यूज करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रूट कटिंग टाइप्स के, यानी जो चीविंग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम किसकी सहायता से, या कटिंग टाइप्स के ऑर्गेनिजम है उनको हम किसकी सहायता से, ठीक है, रूट कटिंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाई, जैसे रूट कटिंग
इंसेक्ट पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं भाई? इसके लिए हमारे पास जो केमिकल है वो क्या है भाई? क्लोरोपायरीफोस। ठीक है, क्या हमारे पास है? क्लोरोपायरीफोस। ठीक है, क्या चीज है हमारे पास? क्लोरोपायरीफोस। यानी क्लोरोपायरीफोस को हम वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट्स की रूट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से रूट कटिंग इंसेक्ट्स जो है उनका नंबर खत्म हो जाता है। सेकंड केस क्या है हमारे पास? कटिंग एंड रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग्स या बोरिंग बोरर टाइप्स के जो इंसेक्ट होते हैं उसको कैसे हमें, ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं? तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है भाई? स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग इंसेक्ट पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाई डस्टिंग एंड स्प्रेइंग ऑफ द केमिकल। और कौन सा केमिकल भाई? उसके लिए हमारे पास जो केमिकल प्रेजेंट है वो कौन सा केमिकल है? इसमें देखिए हम क्या करते हैं, मेलाथीन, लिंडेन्स और थायोडेन। हम किस किस का यूज करते हैं? मेलाथीन, इंडोन। हम किसका यूज करते हैं भाई? इंडेन, लिंडेन एंड और किसका भाई? इसके लिए एक और केमिकल है जिसका नाम है हमारे पास थायोडेन। इनका यूज करते हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स यूज होते हैं किसके केस में भाई? स्टेम कटिंग और लीफ सीविंग के केस में, कटिंग के केस में। उसके बाद है हमारे पास एक और ग्रुप जिसको हम सकिंग बोरर के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से बोलते हैं भाई? सकिंग इंसेक्ट के नाम से। अब वो सकिंग टाइप के इंसेक्ट जो हमारे पास उसमें हम यूज करते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है? कंट्रोल ऑफ सकिंग इंसेक्ट पेस्ट बाय स्प्रेइंग द केमिकल। कौन से केमिकल है भाई, उनको हम स्प्रे कर सकते हैं इसके लिए? तो उसमें हमारे पास जो कैटेगरी प्रेजेंट है उसमें हमारे पास है डाइमिथोएट। एंड एक तो हमारे पास डायमिथोएट है, ठीक है, डायमिथोएट, साथ में है मेटासिस्टोक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, सॉरी केमिकल्स का, जिसके बेस के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सभी हमारे पास एक सिस्टमेटिक कंट्रोल के बेस के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। किसके बेस के ऊपर यूज कर सकते हैं भाई? सिस्टमेटिक वे बनाएंगे उसके बेस के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट इसी के अंदर एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट। अब देखिए जो क्रॉप प्लांट है उसके अंदर डिजीज भी है। तो मीन्स अगर हम सिंपली ये कहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ
रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप इन हंग अमाउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ क्रॉप इन हंग नंबर ठीक है क्वांटिटी बाय डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हंग क्वांटिटी के बेस के ऊपर रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट को। अब अगर हम इन डिजीज को क्लासिफाई करते हैं तो ये हमने चार ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दी। डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स और वो चार ग्रुप कौन कौन से हैं भाई देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है भाई वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बेस के ऊपर हमने उनको ठीक है भाई सबसे पहले सीड बोर्न डिजीज ऐसी डिजीज जो सीड के बेस के ऊपर होती है तो सबसे पहले है भाई सीड बोर्न डिजीज जो किससे होती है सीड के बेस के ऊपर होती है ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है भाई एयर बोर्न डिजीज जो किससे होती है भाई हवा से होती है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है भाई ये तो फिर वाटर बोर्न डिजीज ठीक है या सॉइल बोर्न डिजीज वाटर बोर्न ठीक है वाटर बोर्न डिजीज और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है भाई सॉइल बोर्न डिजीज। तो डिफरेंट ग्रुप है हमारे पास डिजीज के। अगर हम सीड बोर्न डिजीज की बात करते हैं तो हमारे पास सीड बोर्न कंडीशंस में क्या है भाई ठीक है अलग अलग टाइप के एलगट ऑफ बाजरा ठीक है ना समट ऑफ वीट आप बोल सकते हो एग्जांपल दे सकते हैं हमें एलगट ऑफ बाजरा समट ऑफ वीट ये सब हमारे पास डिजीज है ठीक है। ये किसकी है भाई सीड बोर्न की बात कर रहे हैं। एयर बोर्न की बात अगर हम करें तो उसमें क्या है रस्ट ऑफ वीट ब्लास्ट ऑफ राइस इसमें क्या है भाई रस्ट ऑफ वीट वीट भाई ब्लास्ट ऑफ राइस ये डिजीज है। अगर हम वाटर बोर्न डिजीज की बात करते हैं तो वाटर बोर्न डिजीज में हमारे पास क्या है भाई वेक्टर वाटर बोर्न में क्या है भाई बैक्टीरियल ब्लाइट्स ऑफ राइस ठीक है बैक्टीरियल ब्लाइट्स ऑफ राइस ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जो किसके बेस के ऊपर होती हैं भाई भाई सॉइल के बेस के ऊपर होती है जैसे टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। अब इसमें हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट ठीक है टीका डिजीज इन ग्राउंड नट और भी बहुत सारे हैं समट इन बाजरा ठीक है और क्या हो सकता है भाई समट ऑफ बाजरा तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हैं जो भाई डिफरेंट मोड के बेस के ऊपर स्प्रेड होती हैं भाई एक तरीके से। अब इन सभी डिजीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई इन सभी डिजीज को हम कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का यूज करते हैं। अब देखिए हाउ वी कंट्रोल या कंट्रोल मेजरमेंट फॉर ए डिजीज क्रॉप
प्लांट कंट्रोल एंड मेजरमेंट फॉर डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट्स की जो डिजीज है उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है भाई, सबसे पहला पॉइंट, टेस्ट द सोयल बिफोर सोइंग सीड, टेस्ट द सोयल बिफोर सोइंग सीड्स। बीज उगाने से पहले सोयल को हमने टेस्ट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ठीक है, फॉर एयर बोर्न डिजीज स्प्रे, किस चीज का स्प्रे करना चाहिए या भाई फ्यूमिगेशन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, स्प्रेइंग फंगीसाइड्स केमिकल्स। ऑल्सो यूज्ड डिफरेंट केमिकल्स फॉर कंट्रोल वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, टेस्ट द सोयल बिफोर सोइंग सीड्स, एयर बोर्न डिजीज के केस में स्प्रे फ्यूमिसाइड्स फंगीसाइड्स, यूज डिफरेंट केमिकल्स इन केस ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। तो इस तरीके से हमारे पास आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन छोटा लेक्चर है, तो इस लेक्चर को आपने बड़ी ध्यान से पढ़ना है बेटा। तो आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम जो लेक्चर देंगे उसमें किसके बेस के ऊपर, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन स्टोरेज के टाइम पर भी ग्रेन जो होता है बहुत सारा डैमेज होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।